हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाय टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि इस समय वो कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो स्पिरिट चाहते हैं कि आप तक पहुंचे, आपको किन बातों का अभी पता चलना या सुनना जानना ज़रूरी है। तो आपके पास है तीन ऑप्शंस चूज करने के लिए। पहले ग्रुप के लिए है द सन, दूसरे ग्रुप के लिए है द मैजिशियन और तीसरे ग्रुप के लिए है द मून। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए, जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय ग्रुप वन, अगर आप लोग ने द सन चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको अभी सुनना ज़रूरी है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं ट्रायम्फ, बिटवीन वर्ल्ड्स, स्टैंड स्टिल, डोर टू वैल्यू, फोर ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वंड्स और एट ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट ग्रुप वन, यहाँ पर पहली चीज़ तो स्पिरिट आपको बताना चाह रहे कि अभी तक अगर आपको ऐसा लगा हुआ लगता था कि आपकी ज़िंदगी में कोई मूवमेंट नहीं है, सब लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, सब लोग तरक्की कर रहे हैं, आपकी लाइफ बिल्कुल अटकी हुई है, फंसी हुई है, किसी तरीके का कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, सब कुछ बड़ा स्लो चल रहा है, तो वो चीज़ अब चेंज होने वाली है। इनफैक्ट एक महीने के अंदर अंदर ही काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आने के पूरे पूरे आसार हैं, जो कि इतनी ताकत रखेंगे कि अभी जैसे भी आपकी ज़िंदगी बीत रही है उससे लाख गुना बेटर स्टेज, बेटर फेज ऑफ लाइफ जैसे कहते हैं, उसमें आप एंटर करेंगे। ये जो नया फेज ऑफ लाइफ आपका स्टार्ट होने वाला है, इसमें पैसे आप ज़्यादा कमाएंगे, अबंडेंस आपके पास ज़्यादा होगी, घूमने फिरने के मौके आपके ज़्यादा आपको ज़्यादा मिलेंगे। अगर आपका कोई ट्रांसफ़र काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ था वो चीज़ हो सकती है। अगर आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे कि आपको अपने शहर से, स्टेट से या देश से बाहर कहीं जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले, तो वो चीज़ होते हुए नज़र आ रही है। लेकिन इन सारे चक्करों के बीच में एक ऐसी चीज़ है जो कि आप इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, जिसके ऊपर आपका ध्यान नहीं जा रहा है और जो कि काबिलियत रखता है आपको ये नई ज़िंदगी दिलाने की। जो पहला ख्याल अभी आपके दिमाग में आया, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए यही वो रास्ता है, यही वो जरिया है, यही वो अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको गंवाना नहीं है और जिसकी मदद से आप अपने लक्ष्य तक, अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। फोर ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि क्योंकि आजकल आपके मुताबिक आपके लाइफ में कुछ इतना खास नहीं चल रहा है, इसीलिए ना तो आपका किसी चीज़ में मन लग रहा है और क्योंकि वो एक अजीब सी एनर्जी में आप आ गए हैं, सबसे कटे कटे से रहने लगे हैं, गुमसुम से रहते हैं, मायूस से रहते हैं, इसीलिए अगर अपनी तरफ से कोई आपको किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में या इस तरीके का कुछ बताता भी है तो आप बस ऐसे हवा में डाल देते हैं कि हाँ ठीक है, मैंने भी बहुत जगह अप्लाई किया हुआ है, कहीं से कुछ नहीं हुआ, अब मुझे सुनना नहीं, अब मुझे नहीं जानना है, अब जैसे जो चल रहा है चलेगा। ये भूल आपको नहीं करनी है क्योंकि ये जो भी नई अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में या तो आपको ऑलरेडी पता है और आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, या आपको बहुत जल्दी किसी के ज़रिए पता चलेगा, मोस्ट प्रोबेबली आप ही का कोई रिश्तेदार हो सकता है या दोस्त हो सकता है जिनके ज़रिए आपको पता चले, आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, उसको गंवाना नहीं है। एट ऑफ सोर्स के साथ स्पिरिट आपको ये भी बोल रहे हैं कि आधी दिक्कत तो ये है कि आपने अपने आप को बोल बोल करके कि मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब है, मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब है, अपने आसपास एक नेगेटिव एनर्जी का पिंजड़ा जैसा बना लिया है। उसको तोड़ना, उससे बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप रोज़ सुबह उठें, आप पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलें, शीशे में देख करके खुद को विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करें, इमेजिन करें किस तरीके की ज़िंदगी आप चाहते हैं, उन सब चीज़ों से आपको बहुत मदद मिलेगी। एक और चीज़ यहाँ पर है, कोई शादी का प्रपोज़ल आपके लिए आया है और आपके दिमाग में ये बात अटकी हुई है कि नहीं, मेरे पास तो अभी पैसे इतने कम हैं या वो तो बड़े, बहुत ही बड़े घर का रिश्ता आया है तो ये चीज़ कैसे वर्कआउट करेगी, नहीं हो पाएगा। तो आप पूरा मन बना करके बैठे हुए हैं उस रिश्ते को टालने के लिए, मना करने के लिए, लेकिन यही वो रिश्ता है जो कि आपको आपकी जो भी समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, जो लोनलीनेस है, जो भी आप फील करते हैं, उन सबसे बाहर निकालने की काबिलियत रखता है। इसीलिए ये जो आपने धारणा बना रखी है कि ये जो कोई भी लोग हैं ये पैसों को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे रिश्तों के ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपके मन की उपज है। इसीलिए अपने उस, ये जो एक
वॉइस है आपके दिमाग में जो ये शक का बीज बो रही है, उसको आपको चुप कराना है, शांत करना है, परे हटाना है और खुले मन से, खुले दिल से इस इंसान को एक मौका देकर के आपको देखना है। बिकॉज पूरे पूरे चांसेस हैं कि इस इंसान के साथ चीज़ें वर्कआउट कर जाएंगी और आपकी इनके साथ शादी हो जाएगी, और शादी के बाद आपकी जो ज़िंदगी है वो बहुत बहुत बेहतर हो जाएगी इनकी वजह से। अगर इस समय आपके पास जॉब नहीं है, आप अनएम्प्लॉयड हैं, आपको लग रहा है कि और तो आसपास हर जगह लोगों की बहुत तरक्की हो रही है, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स और एट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में कि आपके दिमाग में बहुत बढ़िया आइडियाज़ हैं अपना खुद का कुछ करने की, लेकिन आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस की कमी आपके अंदर हो गई है, इसलिए उन चीज़ों के ऊपर आपको वर्क करना है। और ये जो भी आपका बिजनेस आइडिया है, जो भी क्रिएटिव आइडिया है, उसके ऊपर अगर आप काम कर ले गए, अच्छे से मन लगा कर के आपने अगर काम किया, तो जिस तरीके की सफलता आप चाह रहे हैं, जिस तरीके का एम्पायर अपना खुद का आप खड़ा करना चाह रहे हैं, वो आपको जरूर मिल पाएगा। लेट मी सी एनीथिंग एल्स। ऑल राइट, तो आज का वीडियो शॉर्ट होने वाला है एंड आपके लिए ग्रुप वन मेरे पास अभी इतने ही क्विक इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप टू, अगर आप लोग ने मैजिशियन चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं कौन से वो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं जो अभी आपको सुनना जरूरी है। ये एक शॉर्ट वीडियो होने वाला है, आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं ट्रूथ, इमेजिन, अबंडेंस, जर्नी, टैरो कार्ड से द फूल, टेन ऑफ कप्स, एट ऑफ वॉन्ड्स और टेन ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कोई चीज़, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई मौका आपकी किस्मत दोबारा से आपको दे रही है। अब ये मौका किसी भी चीज़ में हो सकता है, आप में से कुछ सारे लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये प्यार में एक सेकंड चांस हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान था जिसका आपने दिल दुखाया था, उनके साथ आप ढंग से नहीं पेश आए थे और अब चीज़ें ठीक करने का, उनके साथ दोबारा से रिलेशनशिप में आने का आपको सेकेंड चांस मिलने वाला है। दूसरी चीज़, आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि शायद कहीं गए थे कभी इंटरव्यू देने के लिए, ढंग से आप दे नहीं पाए थे या जो कुछ भी हुआ था, बहुत टाइम हो गया, आपने उनसे सुना भी नहीं कुछ, तो आपको लगता है कि वो चांस गया, ऐसा नहीं है। बिकॉज एट ऑफ वॉन्ड्स ट्रूथ के साथ मुझे यहाँ पर बता रहा है कि कोई ऐसी कंपनी जहाँ पर आपने बहुत पहले इंटरव्यू दिया था, कोई वहाँ से कॉल वॉल कुछ नहीं आता, वो लोग अचानक से आपको कॉन्टैक्ट करने वाले हैं और आपको जॉब ऑफर करने वाले हैं। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि ये जो नौकरी है ये घर से थोड़ा दूर हो, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे राज्य में आपको जाकर के काम करना पड़े। अगर आप ये अपॉर्चुनिटी अपना लेते हैं तो उससे सीधा सीधा असर आपकी अबंडेंस के ऊपर पड़ेगा, और अबंडेंस आपके ज़िंदगी में आएगी और पैसे और खुशियों का टिकट बेसिकली आपको ये नौकरी दिला सकती है। इसलिए मेरी समझ से अगर आपको ये मौका मिले तो आपको उसको गंवाने नहीं देना है। दूसरी चीज़, जिस तरीके का लाइफ पार्टनर आप अपने लिए मैनिफेस्ट करते हैं, आप विजुअलाइज करते हैं कि मेरा पार्टनर ऐसा दिखता हो, वैसा दिखता हो, ये क्वालिटीज़ हो, वो क्वालिटीज़ हो, बिल्कुल वही डिस्क्रिप्शन, वही पर्सनालिटी, उसी तरीके का इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है। और मज़ेदार बात यह है कि जो चेहरा आप इमेजिन करते हैं, जैसा पर्सनालिटी आप चाहते हैं, वो आप ही के पास्ट लाइफ सोलमेट की है। तो जिसके साथ आप ऑलरेडी एक पूरी ज़िंदगी बिता चुके हैं, वही इंसान, वही सोल दोबारा से आपको इस लाइफ में आपके पास आने वाला है। अगर आप किसी बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे, कोई कोर्ट की हियरिंग थी या कुछ और, वो इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आप तक आता हुआ नजर आ रहा है बहुत जल्दी, इनफैक्ट आने वाले एक दो हफ्तों के अंदर ही ये चीज़ होते हुए दिख रही है। काम का बर्डन आपका थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन उससे घबराना नहीं है, प्रेशर के अंडर क्रम्बल नहीं होना है, क्योंकि जो भी ज़्यादा काम आपको मिल रहा है, वर्कलोड आपको मिल रहा है, उस वजह से सारे लोगों की नज़रों में आप निखर करके भी आ रहे हैं, आप खिल करके भी आ रहे हैं, और आपका जो रास्ता है प्रमोशन की ओर, सक्सेस की ओर, वो खुद ब खुद बढ़ता चला जा रहा है। इस दौरान आपको रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं कतराना है। अगर दिमाग में कोई अच्छा आइडिया आया है किसी काम से रिलेटेड, किसी टैलेंट से रिलेटेड, जो कुछ भी है, उस आइडिया के ऊपर काम करना है, क्योंकि उससे आपको काफ़ी सक्सेस, काफ़ी अबंडेंस मिल सकती है। बहुत घूमने फिरने की अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास आने वाले हैं, स्पेशली अगर आप ऐसे हैं जिनको कि बहुत मन तो करता है घूमने फिरने का, बट वो चीज़ हो नहीं पाती है, तो फाइनली ऐसा कुछ अब होता हुआ दिख रहा है। इन केस आपके पास इस समय नौकरी नहीं है, तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपने जिस फील्ड में पढ़ाई कर रखी है, डिग्री ले रखी है, उससे बिल्कुल ही हट करके किसी क्षेत्र में, किसी फील्ड में आपको जॉब मिलते हुए नजर आ रही है। इनिशियली आपको काम समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन एक बार जब आप समझ जाएंगे कि ये काम क्या है, कैसे करना है, आप बहुत तेजी से ग्रो करेंगे उस चीज में।
फैमिली लाइफ में अगर थोड़ी टेंशन चल रही थी तो वो भी यहाँ पर ईज आउट होते हुए दिख रही हैं, खत्म होते हुए दिख रही हैं। ओवरऑल एट ऑफ वॉन्स एंड अबंडेंस यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में अभी तक वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन थोड़ा सा आपको ये बात खटकती थी कि पैसे थोड़े और मेरे पास होते तो ऐसा होता तो वैसा होता तो और बढ़िया होता। तो वो जिस अबंडेंस की फिराक में आप हैं कि पॉजिटिव कनेक्शन अगर लाइफ में और होते, पैसे थोड़े और होते, तो वो सारी चीज़ें फटाफट आपकी ओर आते हुए नजर आ रही हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग स्पीड यहाँ पर इंडिकेट हो रही है एट ऑफ वॉन्स के साथ में। आपकी कल्पना से पहले ही कई सारी ख्वाहिशें आपकी बेसिकली यहाँ पर पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। जो लोग सोचते हैं उनकी अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज होगी, आपकी लव मैरिज होगी, आप ही के पसंद के इंसान के साथ होगी, आपकी लाइफ में आने से पहले आपको उनके बारे में सपने भी आएंगे। ऑलराइट ग्रुप टू, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी क्विक मैसेजेस थे, आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप थ्री, अगर आप लोग ने द मून चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं अभी कौन से वो इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो आपको सुनने हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं लव बिगिंस, ऑल दैट ग्लिटर्स, Enlightenment, Storm Warning, Knight of Wands, Three of Cups, Ace of Swords और Eight of Pentacles. All right, Group 3, ये बहुत ही important quick message आपके लिए होने वाला है, so brace yourself. जिस इंसान के ऊपर आपका दिल आ रखा है इस समय, वो इंसान आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपका दिल प्राइमरीली उनके ऊपर इसलिए आया हुआ है क्योंकि आप फिजिकली बहुत अट्रैक्शन उनकी ओर महसूस करते हैं। बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, आपको लगता है कि ये प्यार है लेकिन ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन है। क्योंकि ये जो कोई भी इंसान है ये दिखते बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी चर्चित हैं, बातचीत करने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्पिरिट यहाँ पर आपको चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आप इस इंसान के चक्कर में पड़े रहे तो आपकी ज़िंदगी तबाह करने की काबिलियत ये शख्स रखते हैं। ये आपको लेकर के सीरियस नहीं है, ये सिर्फ आपको टहला रहे हैं, इनका इरादा सिर्फ आपसे सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन लेने का है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जिस तरीके का कमिटमेंट आपको चाहिए है, अगर आपको शादी चाहिए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, वो सारी चीज़ें ये इंसान आपको नहीं देंगे क्योंकि ये एक नंबर के प्लेयर हैं। चाहे ये लड़का हों चाहे ये लड़की हों, ये सिर्फ मज़े करने के पर्पज़ से लोगों को पटाते रहते हैं, अपनी बातों में बहलाते कुचलाते रहते हैं, अपने लुक से प्रभावित करते रहते हैं, उसके बियॉन्ड इनका कोई इरादा नहीं है। ये इस तरीके का इंसान है ही नहीं कि आपकी ज़िंदगी में 2-3 महीने से ज़्यादा टिक जाए। कोई ना कोई बहाना बना करके ये अपने आप को आपसे अलग कर लेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल ना दुखे, इसीलिए अभी से ये वार्निंग आपको दी जा रही है ताकि आप अभी से सचेत हो जाएं, संभल जाएं। दूसरी चीज़, अगर ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपने पास्ट में डील किया था और अब आप चाह रहे हैं कि आपके साथ इनका रियूनियन हो जाए, तो अगर आप रियूनियन में इनके साथ ना आए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि रियूनियन को सक्सेसफुल बनाने के लिए सिर्फ आप इस समय इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ आप ही हैं जो कि वाकई में मन लगा करके उतना एफर्ट डालेंगे कि रिलेशनशिप दोबारा से चल जाए, सक्सेसफुल हो। उनकी तरफ से इस तरीके का कोई भी एफर्ट नहीं आएगा। प्लस बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं कि अगर अब की बार वो आपके साथ रिलेशनशिप में आ भी गए तो वो अपने साथ कई सारी थर्ड पार्टीज लेकर के आ सकते हैं। आपके पीठ के पीछे कल इससे फोन पे बात हो रही है, परसों किसी और से फोन पे बात हो रही है, मिलना जुलना हो रहा है, सीक्रेट अफेयर हो रहे हैं, ये सारी चीजें। ऐसा नहीं है कि आपकी किस्मत में प्यार नहीं लिखा है। लव बिगिंस की एनर्जी इंडिकेट कर रही है एनलाइटनमेंट के साथ कि जो आपके लिए बना है, जो आपकी वेवलेंथ को मैच करता है, उतना ही मैच्योर है, उतना ही समझदार है, उतना ही लविंग और केयरिंग है जितने कि आप हैं, वो ऑलरेडी आपके रास्ते भेज दिया गया है। लेकिन जब तक आप अपने आप को इस इंसान के झमेले में फंसाए रहेंगे तब तक ये नया इंसान आपकी लाइफ में नहीं आ पाएगा, बिकॉज एक वो एनर्जेटिक बैरियर, एक ब्लॉकेज क्रिएट हुआ है। इसलिए जितना जल्दी आप अपने आप को इस पास्ट वाले इंसान के बछड़े से हटा लेंगे, उतना जल्दी आपकी लाइफ में आपका ट्रू लवर, आपका सोलमेट, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आ पाएगा। अगर इस समय आपकी ज़िंदगी में किसी तरीके की उथल पुथल मची हुई है, किसी चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्पेशली करियर में, तो चिंता मत करिए, आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर या मैक्सिमम 3 महीने के अंदर अंदर वो जो भी परेशानी चल रही है वो थम जाएगी, चीज़ें आपके करियर में बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। कोई ऐसा इंसान जो आपका भला नहीं चाहता है लेकिन मुंह पर बहुत अच्छा बनता रहता है, उसकी सच्चाई भी बहुत जल्द आपके सामने आती हुई नजर आ रही है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही क्विक मैसेजेस थे ग्रुप 3, आप सभी बार मिलती हूँ, बाय।